हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी मॉर्निंग में उठती है और देखती है कोजे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। निम को ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आता है और कोसे को बोलती है मुझे रोज ऐसा ही ब्रेकफास्ट खाना है। कोसे निम को बोलता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे पास ही रुकना होगा हमेशा के लिए। निम कोसे को बोलती है ये कैसे हो सकता है, मुझे अपने घर जाना ही होगा। इसके बाद कोसे निम का ऑफिस के अंदर सास चलने के लिए बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। निम वहाँ आती है लेकिन निम कोसे को अलग अलग जाने को बोलती है। सब हमें साथ में देखेंगे तो बातें बनाएंगे, पर कोसे निम के साथ ही जाना चाहता है। तभी ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज वहाँ आ जाते हैं। निम डर कर कोसे को वहाँ अकेला छोड़कर ही ऑफिस में चली जाती है। कोसे को निम पर गुस्सा आता है इसलिए निम को अपने केबिन में बुलाकर बोलता है मैं हमारे रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहता। और निम से पूछता है तुम्हें गॉसिप से इतना डर क्यों लगता है। निम कोसे को बताती है अगर ऑफिस में सबको पता चलेगा तो सबकी नजर हमारे रिएक्शन पर होगी। तुम मुझसे अच्छे से पेश आओगे तो सब कहेंगे डेट कर रहे हैं, तुम मुझसे गुस्सा होगे तो कहेंगे फाइट हो गई है, ये सब मैं नहीं चाहती। कोसे निम को बोलता है तुम तो काफी समझदार हो जितना मैंने सोचा था, इस खुशी में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और निम को किस करने ही वाला होता है पर नहीं हो पाती और सुबह केबिन में आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है निम कोसे के घर होती है और अपने कपड़ों के साथ कोसे के कपड़े भी धोने जा रही होती है। ये देखकर कोसे निम को बोलता है क्या तुम मेरी हाउसवाइफ बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। निम कोसे को बोलती है तुम ज्यादा ही दूर की सोच रहे हो। कोसे निम को बताता है जब मैं 15 साल का था तब से मेरा फैमिली का ड्रीम है। निम कोसे को बोलते है इतनी छोटी एज से तुम ये सपना देख रहे हो। इसके बाद कोसे निम को बोलता है जब हम ऑफिस से बाहर होते हैं तो तुम मुझे बॉस मत बोला करो। निम कोसे से पूछती है तो क्या बोलूं। कोसे निम को बोलता है तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो या मेरी जान बुला सकती हो। निम कोसे को बोलती है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है निम को कोसे के घर सफाई करते हुए उसकी कबर्ड में एक बॉक्स मिलता है जिसमें कोसे की बचपन की फोटो होती है। अभी कोसे वहाँ आता है और निम के हाथ में उसकी फोटो देख लेता है और निम को बताता है बचपन में मेरे फादर मदर को डिवोर्स देकर कनाडा चले गए थे। उसके बाद मेरी मदर मुझे थाईलैंड ले आई और वो भी मुझे कुछ समय बाद छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दिए, खुद पार्ट टाइम जॉब कर सब मैनेज किया और कुछ साल बाद मैं जापान चला गया जॉब के लिए। कुछ समय बाद मुझे पता चला मेरी मदर कैंसर से मर गई है तो मैं वापस थाईलैंड आ गया। कोसे निम को बताता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और निम को समझाता है तुम्हें अपनी मदर से गुस्सा नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हें कुछ कहना चाहती हो। ये सुनकर निम अपने घर वापस जाने का डिसाइड करती है। कोसे निम को उसके घर ड्रॉप करता है। निम की मदर और उसके ब्रदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पूरी फैमिली एक हो जाती है। नट अपनी बहन से प्रॉमिस करता है वो फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर अपने परिवार का सारा कर्ज उतारने में हेल्प करेगा। इसके बाद निम को कोसे का कॉल आता है। निम कोसे को बताती है मेरी मदर तुमसे मिलना चाहती है। कोसे निम को बोलता है जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हारी मदर से मिलने आ जाऊंगा। और निम को बताता है मैंने अपने घर की चाबी तुम्हारे बैग में डाल दी है, तुम जब मर्जी मेरे घर आ सकती हो। निम खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है रीना वापस कोसे के घर आ जाती है। कोसे रीना से पूछता है तुम क्या चाहती हो, हमने तो सब खत्म कर दिया था ना। रीना कोसे को बोलती है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं ले सकता। कोसे को धमकी देती है अगर तुम चाहते हो निम को तुम्हारा पास ना पता चले तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट डे रीना कोसे के साथ ऑफिस आती है। निम को ये देख कर बुरा लगता है और कोसे भी निम के साथ अजीब बिहेव करता है। निम को समझ नहीं आता अचानक से कोसे को क्या हो गया है। रीना ऑफिस में आते ही एक मीटिंग रखती है और जानकर निम को कोसे से दूर करने के लिए उसे सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाकर दोबारा से एंटरप्रेनर की प्रोफाइल पर काम करने को कहती है। सभी एम्प्लॉय निम की तारीफ करते हैं, वो अच्छी सेक्रेटरी है, पर रीना किसी की नहीं सुनती, वही करती है जो करना चाहती है। हार कर कोसे को निम के लिए बोलना पड़ता है पर रीना के आगे कोसे की भी नहीं चल पाती। ये सब देख कर निम एंटरप्रेनर की पोस्ट पर काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद पुलिस जानकर निम को फिर से बुली करना स्टार्ट कर देती है लेकिन कोसे निम को मोटिवेट करता है। इसके बाद निम कोसे के घर जाकर उसके आने से पहले उसके लिए खाना बनाती है। निम को वहाँ एक ग्लास मिलता है जिस पर लिपस्टिक का निशान होता है। कोसे के आते ही निम कोसे से पूछती है क्या इस ग्लास पर रीना के लिपस्टिक का निशान है। कोसे बताता है हाँ। ये सुनकर निम वहाँ से जाने लगती है
कोजिन इम को रोकता है और बोलता है, मेरे और रीना के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, वो बस यहाँ मुझसे बात करने आई थी। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, अगर मेरे मन में कुछ भी गलत होता कभी भी तुम्हें अपने घर की चाबी नहीं देता, मुझ पर विश्वास करो। ये सब सुनकर नीम कोजी को बोलती है, तुम दोबारा किसी लड़की को अपने घर मत लाना, जैसे तुम मुझे किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकते वैसे मैं भी तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती हूँ। कोजी नीम को मनाने के लिए नेक्स्ट डे डेट पर चलने को कहता है। ये सुनकर नीम मान जाती है और खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे कोजी नीम के साथ डेट पर हो, तभी कोजी को एक कॉल आता है जिसके बाद कोजी नीम को बताता है, आज शाम मैं तुम्हारे घर डिनर पर नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा। निम कोजी को बोलती है कोई बात नहीं और कोजी को वहाँ से जाने देती है, पर साथ ही निम अपसेट भी हो जाती है। उसके बाद निम घर पहुँचती है, निम को माँ का वीडियो कॉल आता है। माँ निम को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है पर निम मना कर देती है और इनसे मैसेज कर पूछती है। इन निम को बताती है माँ ने पार्टी में सभी को इन्वाइट किया है, सभी कलीग्स यहाँ है। ये सुनकर निम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। निम पार्टी में पहुँच जाती है, ये सब माँ ने रीना के कहने पर किया होता है। रीना कोजी को भी जानकर उसी क्लब में लेकर आ जाती है जहाँ मार्क की पार्टी चल रही होती है। रीना कोजी को बोलती है, अगर तुम चाहते हो निम को कुछ पता ना चले और सब कुछ खत्म हो जाए तो तुम्हें अभी मुझे किस करना होगा। कोजी अपना पास निम से छुपाने के लिए यह सब करने के लिए एग्री हो जाता है और रीना को किस करता है। निम कोजी को रीना के साथ किस करते हुए देख लेती है। रीना ये सब निम को दिखाने के लिए कोजी से करा रही होती है। निम गुस्से में कोजी के पास आती है, कोजी निम को वहाँ देख कर शोक हो जाता है और निम को समझाने की कोशिश करता है पर निम नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कोजी निम के पीछे जाता है और अपना पास निम को बताता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कोजी जब जापान में था तो कोजी को रीना से उसके एक फ्रेंड ने क्लब में मिलवाया था। कोजी क्लब में एक होस्ट था, पैसे अर्न करने के लिए ये सब करता था। कोजी ने पैसे अर्न करके अपना एक क्लब ओपन किया, लेकिन किसी माफिया ने उस पर हमला कर दिया जिसके बाद कोजी ने क्लब बंद कर दिया। क्लब बंद होने के बाद रीना ने कोजी को अपनी कंपनी में जॉब दे दी क्योंकि रीना कोजी को पसंद करती थी। कोजी भी ये बात अच्छे से जानता था रीना उसके लिए क्या फील करती है, फिर भी रीना का बेनिफिट उठाने और लाइफ में सक्सेस होने के लिए रीना को खुश करता रहा। फ्लैशबैक से बाहर कोजी निम को बताता है, मैं रीना को प्यार नहीं करता। निम कोजी को बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने पास्ट में क्या किया, पर तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था, मैं तुम्हें किसी और को किस करते हुए कैसे देख सकती हूँ, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। के बाद हमें दिखाया जाता है निम कोजी के गम में खुद का बुरा हाल कर लेती है। निम की मदर उसके लिए परेशान हो जाती है और निम को समझाने की कोशिश करती है पर निम को समझ नहीं आता, बिना कोजी के अपनी लाइफ में मैं क्या करूँ। के बाद निम अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कोजी उसके घर आया है। कोजी निम को एक बार बात करने को कहता है, निम मान जाती है। कोजी निम को बताता है, मुझे लगा सब सेल्फिश होते हैं इसलिए मैंने बस गर्ल्स का एडवांटेज लेने के लिए उनसे फ्लर्ट किया, और निम को बोलता है, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। निम कोजी को बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले क्या किया और आगे तुम क्या करोगे। कोजी निम को बोलता है, मैं डर गया था, तुम्हें सच पता चला तो कहीं तुम मुझे छोड़ कर न चली जाओ, इसी डर से सब कुछ छुपाया, अगर तुम अब अचानक से मेरी लाइफ से चली जाओगी तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, इसलिए मेरी जिंदगी से मत जाओ। निम कोजी का कन्फेशन सुनकर मान जाती है और फिर से नई शुरुआत करने को कहती है। नेक्स्ट डे रीना पोली और बाकी एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल देती है और निम को रिजाइन देने को कहती है। निम रिजाइन साइन करने ही वाली होती है तभी कोजी वहाँ आकर निम को रोक लेता है और निम को केबिन से बाहर जाने को कहता है, मैं रीना से बात करता हूँ। कोजी रीना से सर झुकाकर माफी मांगता है और ये सब रोकने को कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम हमेशा मेरे साथ जेन्युइन थी पर मैं तुम्हारे साथ जेन्युइन नहीं रहा। रीना कोजी को बोलती है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी पर तुम्हें घुटनों के बल बैठ कर मुझसे माफी मांगनी होगी, और कोजी निम के लिए ये करने को भी तैयार हो जाता है। रीना ये देखकर हैरान हो जाती है, कोजी निम से कितना प्यार करता है। रीना कोजी को अपने सामने झुकता हुआ देख नहीं पाती इसलिए वहाँ से चली जाती है। रीना निम के पास जाती है और उसे बोलती है, कोजी और मैं एक साथ नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं फिर भी तुम उसे चाहती हो। निम रीना को बोलती है, मुझे पता है तुम कोजी को प्यार करती हो और तुमने उसके लिए हर वो चीज की है जो एक इंसान प्यार में करता है, पर कोजी सिर्फ मुझे पसंद करता है। और रीना को बोलती है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। रीना को गुस्सा आता और निम को चाटा मारने वाली होती है पर रुक जाती है और निम को बोलती है, तुम होती कौन हो ये कहने वाली, वो मैं हूँ जो कोजी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी।
साथ ही रीना को पता है कोजे उसे प्यार नहीं करता, इसलिए रीना का दिल टूट जाता है। और नीम को भी समझ नहीं आता रीना अब क्या करेगी। इसके बाद टिंग नीम को आकर बताता है उन्हें नौकरी से अब नहीं निकाला जाएगा। और रीना को भी एहसास हो जाता है कोजे उसे प्यार नहीं करता। मार्क रीना को बोलता है कोजे तुम्हारे लिए राइट पर्सन नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नीम को दोबारा कोजी की सेक्रेटरी की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और रीना भी वहाँ से वापस जापान जा रही होती है। रीना के जाने के बाद नीम कोजी से पूछती है तुमने रीना को कैसे मनाया और कैसे सब ठीक किया। कोजी नीम को छेड़ता है मैंने रीना को हग और किस किया वो मान गई। नीम बोलती है मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। के बाद नीम की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। कोजी नीम की फैमिली का पार्ट बन जाता है। पर लड़कियां कोजी पर लाइन मारना नहीं छोड़ती और नीम को भी समझ नहीं आता इन सब से कैसे टैकल करे। नीम कोजी से इस बारे में बात करती है। कोजी नीम को बोलता है तुमने ही तो सबसे हमारा रिलेशनशिप छुपाने को कहा था, तुम्हें गॉसिप से डर लगता है। नीम बोलती है अच्छा तो ये मेरी गलती है। कोजी को नीम पर हंसी आ रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोजी ने सभी एम्प्लॉयज के लिए पार्टी रखी होती है। मार्क भी इस पार्टी में आता है। नीम मार्क के पास जाती है और उसे हेल्प करने को कहती है। कोजी की नजर नीम पर ही होती है। नीम जानकर मार्क के क्लोज आकर डांस करती है। कोजी से बर्दाश्त नहीं होता और नीम को मार्क से दूर करता है। सबके सामने चिल्लाकर मार्क को बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। ये सब नीम ने इसलिए किया होता है ताकि कोजी सबके सामने कन्फेस करे कि नीम उसकी गर्लफ्रेंड है। मार्क और नीम कोजी पर हंस रहे होते हैं और मार्क कोजी को बोलता है हमारी ट्रिक में तुम फंस गए। ये सब देखकर कोजी सबके सामने अनाउंस करता है मैं और नीम रिलेशनशिप में है। नीम ये सुनकर खुश हो जाती है, जो वो चाहती थी वो हो गया। कोजी नीम को बोलता है तुम यही चाहती थी ना मेरी गर्लफ्रेंड। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।